नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल बाकी है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव की तैयारियों के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। बीजेपी और जेडीयू अपना कोऑर्डिनेशन ठीक करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में घमासान छेड़ने के आसार भी नजर आने लगे हैं। एनडीए में शामिल पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कह दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर अलग तेवर दिखाए। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के घटक दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला वह नहीं होगा जो लोकसभा चुनाव में था। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ उसी चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, इससे एनडीए की सीटें कम हुई हैं, इसलिए अब इसमें सुधार होगा। कुशवाहा ने आगे कहा कि विधानसभा और लोकसभा में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अलग अलग तो है होता ही है। लोकसभा का जो फॉर्मूला तय हुआ था उससे थोड़ा नुकसान हुआ। पुराने अनुभव के आधार पर आदमी आगे करेक्ट करता है, इसलिए करेक्शन होगा। विधानसभा चुनाव में नए सिरे से बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना संकेत जरूर दे दिया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें सिर्फ एक सीट दिया था, वैसा विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं कि कुशवाहा ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 30 विधानसभा सीट मांगने वाले हैं। वैसे बिहार में एनडीए में अभी बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। एनडीए में 6 पार्टियां पहले से हैं। वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एनडीए में वापसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में 6 से 7 दलों के बीच सीटों का बंटवारा करना बेहद मुश्किल होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से अलग लड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115, बीजेपी 110, वीआईपी 11 और हम 7 सीटों पर लड़ी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर आने वाले समय में एनडीए गठबंधन किस तरह से फैसला लेता है और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में देखी जाती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।